हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर पूजा एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने आपसे बात करी थी टीथ वाइटनिंग ट्रीटमेंट के बारे में। हमने आपको बताया था ये प्रोसीजर किस तरह से किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए आगे हम आज इसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं कि टीथ वाइटनिंग ट्रीटमेंट के क्या क्या रिस्क और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज अपने वीडियो में ये पता लगाते हैं कि टीथ वाइटनिंग ट्रीटमेंट से एसोसिएटेड क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप टीथ वाइटनिंग का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जानना चाहिए, इससे एसोसिएटेड टीथ सेंसिटिविटी, यानी आपके दांत हॉट और कोल्ड के लिए थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं, इनमें टिंगलिंग या बर्निंग सेंसेशन भी हो सकती है। और अगर फ्रेंड्स आपके दांत पहले से ही बहुत सेंसिटिव हैं, यानी आपको इन जनरल भी सेंसिटिविटी के इश्यूज़ रहते हैं, तो मेरा ये एडवाइस है कि आप पहले ही अपने डेंटिस्ट से एक थॉरो चेकअप कराने के बाद ही केमिकल बेस्ड टीथ वाइटनिंग का ट्रीटमेंट लें और इसके रिस्क और बेनिफिट्स को पहले से ही अच्छे से समझ लेना चाहिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम आते हैं टिश्यू इरीटेशन पर। देखिए फ्रेंड्स, टिश्यू इरीटेशन या गम या आपके मसूड़े पर आपको कुछ बर्निंग सेंसेशन या कुछ इरिटेशन इस प्रोसीजर के बाद रह सकती है, क्योंकि हम जो इसमें केमिकल यूज़ करते हैं वो कभी कभी किसी भी पेशेंट के गम या जंजायवा पे इस तरह की बर्निंग सेंसेशन को कर सकता है। और कुछ देर के लिए आपको इससे इरिटेशन रह सकती है, आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, रेडनेस हो सकती है। तो इससे रिलेटेड आपको क्या उसके लिए करना है, आप अपने डेंटिस्ट से पहले से ही पूछ सकते हैं और उससे रिलेटेड आप मेडिकामेंट्स यूज़ करके लगा सकते हैं, जिससे आपको रिलीफ मिल जाएगा बाद में। फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ अनवांटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं अगर हम टीथ वाइटनिंग का ट्रीटमेंट लेते हैं। जैसे कभी कभी हमारे दांत आपको थोड़े हेजी या थोड़े डल भी लग सकते हैं। रिक्वायर्ड शेड अगर नहीं आ पाया है फर्स्ट सिटिंग के बाद, तो हम आपको एक से दो शेड लाइट करने के लिए फर्दर सेटिंग्स भी एडवाइस कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपके दांतों में रेस्टोरेशन यानी कुछ पुरानी फिलिंग या क्राउन्स या ब्रिजेस या वनियर्स हैं, तो आप अपने डेंटिस्ट से पहले ही डिटेल में डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि ब्लीचिंग का इफेक्ट इन आर्टिफिशियल टीथ पर नहीं होता है और इनका कलर चेंज नहीं होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको अपने डेंटिस्ट से टीथ ब्लीचिंग कराने से पहले जान लेने चाहिए। फ्रेंड्स, इसके अलावा टीथ वाइटनिंग में कभी कभार कोई रेयर प्रॉब्लम जैसे गले में या थ्रोट में दर्द होना या कोई स्टमक एक, ऐसा बहुत ही रेयर पाया जाता है। अगर आपको इन केस इस प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप अपने डेंटिस्ट से मिलें और उसका एज एडवाइस जितना जल्दी पॉसिबल हो ट्रीटमेंट लें और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो आई होप आपको ये टीथ वाइटनिंग से एसोसिएटेड रिस्क क्या है इसके बारे में एक आइडिया हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब आते हैं कि टीथ वाइटनिंग के रिस्क के बाद टीथ वाइटनिंग बेनिफिट्स क्या हैं। नो डाउट फ्रेंड्स, टीथ वाइटनिंग एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टिंग प्रोसीजर है और इसके बेनिफिट्स हम अब डिस्कस करते हैं आपके साथ। सो फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो कि हमारी सेल्फ एस्टीम, हमारा कॉन्फिडेंस हमारी डे टू लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड हमारी ओरल हेल्थ यानी हमारी मुस्कान और हमारे दांतों का कलर हमारी ओरल हेल्थ को इंडिकेट करता है। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, टीथ वाइटनिंग इज़ अ वेरी बेनिफिशियल प्रोसीजर फॉर ऑल ऑफ अस। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे दांतों में किसी प्रकार का जो डिसकलरेशन है, जो हमारी लाइफस्टाइल है उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे एक्सेसिव चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल, कोलाज, आर्टिफिशियली कलर्ड प्रोडक्ट्स का यूज़ करना, पान, तम्बाकू, इनके स्टेन्स लॉन्ग टर्म में हमारे दांतों पर अपने स्टेन्स को छोड़ जाते हैं और टीथ वाइटनिंग आपको उससे निजात दिलाती है और आपके दांतों का ओरिजिनल शेड रिस्टोर करती है। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, इट इज़ अ सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस बूस्टिंग प्रोसीजर फॉर यू। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी फ्रेंड्स के टीथ के स्टेन्स हैं, जो डिस्कलरेशन है, वो निकलने के बाद आपके दांतों का ओरिजिनल कलर रिस्टोर हो जाता है। उसके साथ साथ जो हमारे दांतों में बैक्टीरिया हैं, जो पेरिडोंटल यानी गम प्रॉब्लम्स करते हैं, जो केरीज करते हैं, टीथ वाइटनिंग में यूज़ होने वाली मेडिसिंस उन बैक्टीरिया को भी रिमूव करके आपकी ओरल हेल्थ को डेफिनेटली बूस्ट अप करता है।
इसके अलावा फ्रेंड्स, जो माइनर इम्परफेक्शंस होते हैं, जैसे आपके दांत पे कहीं कोई माइनर सा कोई कट है या कोई चिप ऑफ है या कोई माइनर सा क्रैक है, ये भी टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर से ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाता है और एपरेंट नहीं होता है। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, इन द एंड टीथ वाइटनिंग इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कॉस्मेटिक प्रोसीजर जो आपकी ओवरऑल डेंटल हेल्थ और ओरल हेल्थ को इन्हेंस करता है। ये सेल्फ एस्टीम बूस्टिंग है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टिंग है और आपकी ओरल हेल्थ को नेचुरली इन्हेंस करता ही है। सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अ टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर आफ्टर अ गुड कंसल्टेशन विद योर डेंटिस्ट, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग वॉट आर द रिस्क एंड वॉट आर द बेनिफिट्स फॉर टीथ वाइटनिंग ट्रीटमेंट फॉर यू। तो आज ही अपने आप डेंटिस्ट से मिलें, टीथ वाइटनिंग के बारे में डिस्कस करें और इस प्रोसीजर को लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।